नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई जी के आज के और एक नए फ्रेश वीडियो में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों 5000 mAh बैटरी के साथ में 15 नवंबर को लॉन्च होगा जियोनी का नया स्मार्टफोन M7 पावर के बारे में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में पिछले दिनों काफ़ी स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं और साथ ही आने वाले हफ्ते में भी कई फ़ोन लॉन्च होने को है। दोस्तों, स्मार्टफोन कंपनियों ने मीडिया इनवाइट भेजना शुरू कर दिया है और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जियोनी M7 पावर स्मार्टफोन के बारे में दोस्तों, जो कि 15 नवम्बर को लॉन्च होने जा रहा है। दोस्तों, स्मार्टफोन कंपनी ने इस स्मार्टफोन को चाइना में सेप्टेम्बर में लॉन्च किया था, जिसके बाद इसे ग्लोबल मार्केट में पेश किया गया था। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन की खास बात यह है कि इसके साथ में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। सामने अब बात करते हैं कुछ इस तरह। तो दोस्तों, जियोनी M7 पावर स्मार्टफोन फुल व्यू 18:9 डिस्प्ले के साथ में आता है और दोस्तों इस बिग स्क्रीन स्मार्टफोन में बिग बैटरी भी दी गई है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस फोन की कीमत भारत में ₹19,999 तक हो सकती है। जियोनी के इस स्मार्टफोन में हाई ग्रेड 6 सीरीज एल्यूमिनियम बैक शेल दिए गई है। दोस्तों, इसी तरह अगर सामने बात करें तो इस फोन के बैक में रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। और दोस्तों, जियोनी M7 स्मार्टफोन को 3 कलर वेरिएंट में बनाया गया है, जिनमें गोल्ड, ब्लैक और डार्क ब्लू कलर शामिल है। दोस्तों, जियोनी M7 पावर स्मार्टफोन 6 इंच का फुल HD डिस्प्ले फुल व्यू डिस्प्ले के साथ में आता है और दोस्तों इसका रिजोल्यूशन 1440x720 पिक्सल का दिया गया है। दोस्तों, यह 2.5D कर्वी ग्लास के साथ में डिस्प्ले बनाया गया है, जिसका एक्सेप्ट रेशियो 18:9 का रखा गया है। दोस्तों, इस फोन की हाईलाइट इसकी 5000 mAh की बैटरी है, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 435 का प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ ही फोन में एडिरोना 505 का ग्राफिक्स यूनिट दिया गया है। और दोस्तों, फोन में 4GB की दमदार रैम के साथ में 64GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे दोस्तों आप माइक्रो SD कार्ड के सपोर्ट से 256GB तक भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस फोन में 13 MP का रियर कैमरा दिया गया है और दोस्तों, जबकि 8 MP का सेल्फी के लिए फ्रंट कैमरा दिया गया है। दोस्तों, ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है एंड्रॉइड 7.1 नोगाट के साथ में। तो दोस्तों, ये थी अपडेट आने वाले नए स्मार्टफोन जियोनी के M7 पावर के बारे में। और दोस्तों, क्या लगता है कि ये जियोनी M7 अपने प्राइस के हिसाब से यहाँ पे ठीक काम कर रहा है, क्योंकि 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज का स्मार्टफोन जो कि आने वाला है 19,999 में, क्या आप मीन्स इसे पसंद कर सकते हो? तो दोस्तों, आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये जियोनी का स्मार्टफोन क्या कमाल कर पाता है या क्या कमाल नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, इसके बारे में आपके दिल में कुछ भी सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस में रोजाना लेके आते रहता हूं, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों, नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको करना होगा बेल आइकन को प्रेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।